जहाँ तक समाज के समर्थन की बात है तो इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। आजकल जो है जमाना जिस तरह से बदली बदलता, शांतनु गैरोला है और हम इस रामलीला से लगभग बचपन से। मैं ये कहूंगा, पहले तो मेरा नाम अनुप रावत है, पुत्र स्वर्गीय श्री पिता। मेरा नाम हेमंत कुमार जोशी और बाबू जोशी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त और रामलीला में मैं हास्य कलाकार के रूप में यहाँ पर हमेशा से रोल खेलता हूँ जी। और मैं शिक्षक हूँ पेशे से जी, भिकवाले पढ़ाता हूँ सेंट में से। जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, तुम्हारी ही भलाई के लिए किया। ओ निर्मम आपने क्या किया हमारे, ओ निर्मम माता तुमने क्या किया, ये तुमने नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल दनेगी में। आज हम आपको लेकर आए हैं कल्लू वाला की रामलीला समिति में, जो कि अपनी रामलीला के लिए और अपने समस्त कलाकार हम जो हैं आपको मिलाने वाले हैं कल्लू वाला रामलीला समिति के अध्यक्ष जी से। और उनसे हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी रामलीला समिति की जो है स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन भी चाहूंगा पहले स्टार्टिंग में। मैं हरीश डोबरियाल ग्राम कल्लू वाले कई में रहने वाला हूँ जी। और इस बार जो है रामलीला जो हमारी कमेटी है, गांव के लोग हैं, उन्होंने जो है मुझे समिति में जो है अध्यक्ष का पदभार दिया है और मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे उसको निभाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर साल रामलीला समिति की जो है कमेटी नहीं बनती है और मंदिर समिति जो है हमारी हर 5 साल में परिवर्तन उसको किया जाता है जी। तो मेरा जो है अध्यक्ष होने के नाते गांव की रामलीला में जो मेरा कार्य है वो ये है कि मुझे जो है कानून वाली व्यवस्था बनानी है, रामलीला का जो है इसका परमिशन है और भी काम है, और बाकी जो है हमारा डायरेक्शन का जो काम करते हैं वो डायरेक्टर हैं जो बहुत पुराने हैं, मैं तो बहुत नया हूँ और इस बारे में जो है इतना। लगभग स्थापना कब हुई आपकी इसके समय? ये लगभग जो है 78-79 से जो है रामलीला का जो है इसमें मंचन हो रहा है। 1978 से? हाँ 78-79 से जी। तो पहले जो है रामलीला जो है यहाँ पे जो डायरेक्टर हमारे हैं गिरीश चंद डोगराल जी, उनके द्वारा जो है कालागढ़ में जो है रामलीला का जो है प्रदर्शन किया जाता था, खेला जाता है वहाँ पर। उन लोगों से उन्होंने उस समय ये कहा था कि भाई हम आपके यहाँ पर आके कलाकारी करते हैं तो आप जो है हमारे गाँव में भी जो है इस रामलीला को स्टार्ट करवाएं। तो तब से जो है सक्सेना जी हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है यहाँ पर रामलीला का जो स्टार्टिंग 78-79 से ये की गई है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि समिति का उद्देश्य और चुनौतियां क्या क्या हैं? देखो जहां तक उद्देश्य की बात है तो समिति का उद्देश्य रहता है कि भाई गांव के अंदर जो है गांव के कलाकारों के द्वारा जो ये कला का प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो है नए से नए बच्चों को जो है अधिक से अधिक जो है कला में जो है उनको उतारा जाए और अच्छा से अच्छा जो है प्रदर्शन उनसे करवाया जाए, ये उद्देश्य है। दूसरा यह है कि राम के जैसे हम लीला करते हैं तो उनके जो विचार हैं, उनके जो आचार है, जो उनके संस्कृति है, उसको जो है आज के जीवन में उसको उतारा जाए, ठीक, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक। और रही जो है इसकी कला की बात, तो कलाकारों को जो है डायरेक्टर जो है वो उनको तराशते हैं, उनको जो है तरह तरह के जो है वो देते हैं, जो उस कला के लिए फिट होता है उसको जो है उसमें कलाकारी करने के लिए देते हैं। ठीक। अध्यक्ष जी आपसे अगला सवाल ये है कि आप समाज के समर्थन को और सपोर्ट को कैसे देखते हैं? देखो जहाँ तक समाज के समर्थन की बात है तो इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं जी, और वो अपने अपने तरीके से मतलब हमारे को पूरा समर्थन देते हैं, जिस समर्थन की हमको जरूरत पड़ती है। अब जितना बड़ा प्रोग्राम हमको करना होता है उसमें चंदे की जरूरत पड़ती है और भी खर्चे की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हर तरीके का समाज जो है हमारे को सपोर्ट करता है जी। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको मतलब अपने जो समाज उससे सही समर्थन मिल रहा है? जी जी जी, समर्थन बराबर है और सब जो है अच्छा तरीके से समर्थन देते हैं और उसके साथ साथ जो है हमारे को जो है प्रोत्साहन भी करते हैं कि भाई समय समय पर जो है जिस चीज की हमें जरूरत है वो समाज जो है हमें देता है। ठीक।
तो अब जो है हम मिलाने वाले हैं आपको कल्लू वाला के रामलीला समिति के डायरेक्टर साहब से, तो मैं थोड़ा सा उनसे उनका इंट्रोडक्शन लूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि निर्देशन के अंदर सबसे जो है कठिन क्या होता है, चुनौतीपूर्ण क्या होता है? चुनौती जो है निर्देशन में जी सबसे पहले चुनौती ये आती है कि जो हमने किरदार जिसमें पात्र जो है ढूंढना है जी, उसके लिए हमें जिसका पात्र का चयन करना है वो उसको भली प्रकार से जांचना है कि भाई ये जिस पात्र में चाहे राम का हो, लक्ष्मण का हो, भरत का हो, सीता का हो, कई भी रोल जो आते हैं इसमें, तो उसके लिए ये फिट बैठेगा या ये उस किरदार को सही तौर से निभा भी पाएगा, जो जनता के बीच में जो एक उसका जो है प्रदर्शन होगा उसका, तो वो उस पर खरा उतरेगा या नहीं। रामलीला के पात्रों के चयन में किस बात का ध्यान रखते हैं? रामलीला के जो पात्रों का जब मैं चयन करता हूँ तो सबसे पहले मैं उनकी आवाज पे ध्यान देता हूँ, ठीक, फिर उसके जो है शारीरिक बनावट पर ध्यान दिया जाता है, फिर उसके जो है हाव भाव अगर वो किस तरह से कर रहा है और उसमें उसे मेरे को तो ये चीज देखने वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो है किसी प्रकार से अपने जो किरदार को जिसको मैं उसको डायरेक्शन दूंगा वो उसको भली प्रकार से उन डायरेक्शन को वो अपने अंदर लेगा या मेरी बात को वो अपने बीच में अंदर उसको लेगा या किस तरह से वो अपने निर्वाह करेगा, तो उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, मंच, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मंच पर किरदारों की जीवंतता बनाए रखने के लिए आप किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? मंच पर मैं जो है जो नया कलाकार मेरा जो निकल के आता है अगर वो मंच पे अपनी भूमिका अदा कर रहा है तो मैं साइड से जो है उसको एक प्रोत्साहित के तौर पर उसको जो है ये बताने की कोशिश वहां से की जाती है कि जनता को जब वो सारी जनता को देखता है तो किरदार जो नया है वो थोड़ा जो है अपने को एक तरह से कॉन्फिडेंट नहीं समझ पाता कि मैं इसमें जो है पब्लिक को देखूं या इसको रोल को करूं क्या करूं, तो उसको हम ऐसी अपनी ओर से उसको एक प्रोत्साहित करते हैं पीछे से कि भाई तूने जो है मंच पे जाकर के किसी प्रकार से झिझक को अपने खत्म करना है और उस झिझक को कतई खत्म करते हुए, क्योंकि हमें इनको पहले बता दिया जाता है किरदार को कि जब भी जिस पात्र को जो स्वरूप में जो आ जाता है तो उसको वो उस टाइम वो अपने को वही समझे, ये हमारी उनके उनके अंदर जो है एक भावनात्मक तौर से हम उसको डालते हैं कि वो उस टाइम वो आम आदमी नहीं है बल्कि वो वही है जो खेल रहा है, जो खेल रहा है पात्र है वो जी जी, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है अपना और वो क्योंकि हम साइड से होते हैं तो डायरेक्शन में उसको पता होता है कि डायरेक्टर मेरे साइड में जो है अलग से मेरे को निर्देश दे रहा है, तो उस हाव भाव से वो उसकी झिझक को हम खत्म करते हैं, वो अच्छा किरदार वहां पर अपना निभा देता है। ठीक, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या आपको हर साल स्क्रिप्ट में कोई बदलाव करना पड़ता है? बदलाव करना पड़ता है क्योंकि आजकल जो है जमाना जिस तरह से बदलता जा रहा है जी, उसी हिसाब से हम भी जो है अपने जो हमारे पात्र हैं जो किरदार हैं जी उनके डायरेक्शन हमारा इस तरह से होता है कि हम उसमें भी कुछ बदलाव चाहते हैं कि जनता को जो महसूस हो कि जो पिछला वो देखा था तो वो तो देखा ही था लेकिन उसमें कुछ नया कुछ हम करके उसमें देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे कि भाई ये इसमें इस वर्ष जो है ये बदलाव सामने आया। ठीक, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किरदारों का भावनात्मक रूप से जुड़ने में आपका क्या भागीदारी होती है, क्या कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्टर की ये भागीदारी होती है डायरेक्शन की जी कि अब जो है कोई रोल अगर हमारे बीच में ऐसा है कि जिसमें हमें जैसे राम के प्रति भरत का रोल था जी कि भरत भाई है, अब उसने जब सुना कि वो वनवास पे चले गए जी तो उनके भाव जो है वो बनाने पड़ते हैं कि उनको अंदर से जो है उनकी आत्मा रो रही है, वो कष्ट में है, उनको जो है अपने दिमाग में उनके जो है ये हो गया कि मेरे यहाँ न रहते हुए यहाँ पर ये कैसा ये हो गया है मामला, तो उस चीज में मैं उनके अंदर इस भाव को पैदा करता हूं
कि आपने जो है जो ये चीज देखी है कि जो भाव रोने का है या जो भी भाव उसका बनता है वहां पर कहां पे हमें हंसी का भाव है, कहां पे हमें खुशी का भाव है और कहां पे हम गम के रूप में है, तो उसको मुझे वो चीज दिखानी पड़ती है, वो चीज उसके अंदर डालनी पड़ती है कि यहाँ पर तुम्हें इस भाव में है कि हमने भाई के प्रति प्रेम, इसके यहाँ जो है बिछड़ने का क्या दुख होता है, और इस प्रकार से वो एक रोने का भाव, हंसने का भाव उनको अलग अलग से दिखाया जाता है कि भाई ये आपने इस तरह से ये इस रोल को करना है। अभी हम आपको मिलाने वाले हैं कल्लू वाला रामदास समिति के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से, तो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए सर, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। हमारा ये है कि जब हमारे ये जो मेन डायरेक्टर हैं, हाँ, ये अगर कभी बाय चांस नहीं आते है, तबीयत खराब होती है, तो उसके बाद सारा स्टेज हम ही संभालते हैं। अच्छा, और जो भी कलाकारों को तैयार करवाना और सीन लगवाना कोई भी। जी, आपका नाम और जैसे क्या पूरा वो दे दीजिए ना, इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम पीताम्बर सिंह मोनियाल, हाँ जी, कल्लू वाले। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मेहनत कौन से चरण में करनी पड़ती है रामलीला के अंदर, किस चरण में करनी पड़ती है मेहनत? तो सभी उसमें करनी पड़ती है। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा जो एफर्ट डालने पड़ते हैं आपको लगता है कि कठिन कार्य करने में रामलीला के अंदर, वो चरण कौन सा होता है? सीन वगैरह और जो भी कलाकारों को लाना, मतलब ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर की। हाँ, है नी, किस रूम कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे मतलब सही दिख रहा है नहीं दिख रहा कलाकार, है नी, इस चीज का चयन करना पड़ता है, ध्यान देना होता है। जी, जब होता है तो हमें इसे देखते हैं। ठीक, मेरा आपसे अगला सवाल ये कि रामलीला के दौरान मंच के पीछे जिम्मेवारी आपकी होती है? जी, हमारी होती है, सारी जिम्मेवारी हमारी होती है। अच्छा, तो किस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं? देखो जी, पूरा मंच संभालना होता है, प्रॉम्प्ट भी करते हैं हम, और कलाकार को उसको तर्ज बताना, गाने के पूरे बोल बताना, एक्टिंग बताना, ये सारे काम हमारे होते हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल जो है डायरेक्टर साहब से ये है, आपकी रामलीला जो है वो स्थानीय जो रामलीला होती है यहाँ पे उनसे अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है जी, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं जी, और उसमें जो है हमें उनका भी ध्यान रखते हुए जो है हमारे पास एक रामायण का जो है वाल्मीकि रामायण से भी है, तुलसीकृत से भी है, और जो गढ़वाल से जो हम संबंधित हैं लोग, तो हमारा गढ़वाल से भी संबंधित रामलीला का अंश हमने उसमें लिया है जी, तो हमारे पास जो है वो पूरा संकलन है उसका, क्योंकि उसमें हमारे जो है राधे श्याम से लेकर के और छमीलाल ढोंगियाल में जो गाने आते हैं, हाँ जी, उनके हिसाब से भी है, और उसमें हमारे बहरे तबील है, लेकिन हम सोनी का भी उसमें गानों का, सोनी तरज में भी हम गानों का प्रयोग करते हैं जी, और उसमें जो है कई नए गानों का भी हमारे पास संकलन है, क्योंकि हमारे पास हर धर्म के लोग आते हैं तो हम उन्हीं के अनुसार हमने अपने को उसके हिसाब से रामलीला को हम उसी हिसाब से चलाते। तो मेरा डायरेक्टर साहब से अगला सवाल ये है जी, कि आपने जो ये सभी जगह से रामलीला को अडॉप्ट किया है जी, वो किस तरह से आपने किया? उसमें ये है मेरा कि क्योंकि मैं पहले गढ़वाल की रामलीला भी खेल चुका हूँ, वहां पे भी मैं जो है स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैं भरत के पात्र कर मैं वहां पे मैंने रोल किया जी भरत का, और गढ़वाल से लेकर के उसमें फिर सनातन धर्म रामलीला जो है एक संकलन की थी, तो उसमें भी मेरे को रावण का रोल करने का वहां पे मौका मिला। ठीक, तो उनके बीच में जा करके हमने जब उनसे जो भी लेना था वो हमने वहां पर देखा कि ये एक ही जगह की ना होकर के इसमें संकलन है, तो वो हमें पसंद आया और उसी के हिसाब से हमने अपने को उसी में डाल दिया, और वो संकलन हमने अपना बनाया जिसमें हमारे बैरे तबील से लेकर राधे श्याम और सोनी में या और भी अन्य कोई गाने हमारे इस तरह से हमें जो अच्छे लगे वो हमने अपनी रामलीला में उनका भरपूर उपयोग किया है, और क्योंकि सभी धर्मों का यहाँ पर रहना सहना है तो सभी धर्मों के लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं, तो उनके हिसाब से हमने अपने इस संकलन को जो है उनके अनुसार भी क्योंकि उनको भी पसंद आए तो वो हमने एक नया रूप उसमें दिया है। ठीक, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कलाकारों को जो है गानों के साथ तालमेल बिठाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कलाकारों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, बहुत ज्यादा मेहनत, जो नए नए कलाकार होते हैं जी इन पे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे पुराने हैं तो उनमें
इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कोई स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं हम उनको तालमेल बिठाने के लिए? हाँ, थोड़ा डांट डूंट भी देते हैं वैसे भी। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो है हम मिलाने वाले हैं आपको कलाकारों से। तो मेरा जो है अगला सवाल है आपसे कि आप जो है अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी कैसे करते हैं किरदार को निभाने के लिए? छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे। बिल्कुल, नमस्कार। मेरा नाम शांतनु गैरोला है और हम इस रामलीला से लगभग बचपन से ही जुड़े हैं। भाई लोगों को, सबको हम बचपन से देखते आए हैं और तभी से हमारी इच्छा रही है कि एक दिन हम भी अपने मंच के लिए सहयोग दें और एक महत्वपूर्ण पार्ट खेलें। तो मानसिक, जहां तक आपके सवाल की बात है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक तौर पर, अगर मैं बात करूं कि पूरे साल हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होता है जिस किरदार के लिए हम तैयार हो रहे हैं या सिलेक्ट हुए हैं। अभी जैसे 4 या 5 साल हुए हैं मुझे राम का किरदार खेलते हुए और इस साल मैं केकई का किरदार खेल रहा हूं, तो शारीरिक तौर पर अपने आप को उतना मेंटेन करके रखना पड़ता है और मानसिक तौर पर भी आपकी आवाज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। काफी समय से हमारे सारे कलाकार जो भी मुख्य पात्रों में रहते हैं, काफी समय से वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं, जैसे ठंडा पानी पीना हो गया या उन्हें क्या खाना है जिससे उनके शरीर पे या उनकी आवाज पे ऐसा कोई दुष्प्रभाव जो कि मंच पे उनके कला को उनके प्रभावित कर सके, सारी करनी पड़ती है। तो मैं अगला सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी, आप जो रामलीला में किरदार निभाते हैं उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा, पहले तो मेरा नाम अनूप रावत है, पुत्र स्वर्गीय श्री पीताम्बर सिंह रावत जी। उन्होंने इस मंच का, रामलीला का यहाँ पे स्थापित करी थी और उससे पहले, क्योंकि जब उन्होंने करी थी तब हम छोटे थे। आज जो भी हम कलाकार हैं वो बिना गुरु के नहीं है, बिना गुरु ज्ञान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरुदेव हैं गिरीश डोबराल जी हैं, राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, पीताम्बर सिंह उनियाल जी हैं। अध्यक्षता आज नेगी जी की है, प्रेम चाचा की है, इनके अध्यक्षता में हम कर रहे हैं। लेकिन हमें जिस रूप, अभी थोड़ी देर पहले गुरु जी ने एक शब्द कहे थे कि मुझे राम के सामने भरत खड़ा करना है तो मैंने भरत के अंदर वो अपना भाव डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी मेहनत उनकी है, जो हम जो कला करते हैं वो उन्हीं के उस पर कर रहे हैं जो आज के टाइम पे हम जिस इस बात को निभा रहे हैं। अभी हमारे छोटे भाई से आपने वार्तालाप किया था, हमारे छोटे भाई ने 4-5 साल यहाँ पे राम का पाठ खेला, इनसे पहले हमने भी राम का पाठ खेला। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब का एक डायरेक्शन है कि किसको किस रूप में उतार दे। आज के टाइम पर मैं सुपर्णकर का किरदार निभा रहा हूं, इसी मंच पे मैंने राम भी निभाया है, मेघनाथ भी निभाया है, सुपर्णकर का भी निभाई है। तो मैंने नहीं निभाया, वो हमारे गुरुओं ने हम पर ऐसा आशीर्वाद रखा है, उस रूप में ढाल गए कि हम उस कला में आ चुके हैं। तो अभी हमारे साथ हैं बाबू भाई, तो उनसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी कोई किरदार निभाने में आपको कठिनाई हुई है और वो हुई तो फिर आपने कैसे पार किया उसे? मेरा नाम हेमंत कुमार जोशी और बाबू जोशी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर हमारे बीच में नहीं रहे, सबसे पहले उनको हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं। पितृपक्ष चल रहा है और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। हमें हर बार जब भी हम रामलीला खेलते हैं उनकी बहुत याद आती है, मन ही मन सबका रोता है, उनको याद करते उनकी कमी महसूस होती है। दूसरी बात, जब आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है, मैं कभी गाना नहीं गा पाता था, किसी भी रोल कोई सा भी कर लेता था लेकिन गाना गाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसा अनु भाई ने बताया अभी, तो अपने छोटे भाइयों को देखता रहता था, मुझे ये नहीं पता था राधे श्याम क्या होती है, मुझे कुछ इस चीज का पता नहीं होता था, लेकिन देख देख के अपने छोटे भाइयों को आज मैं भी गाना गाने लगा हूं। आज यह है कि मुझको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ साल में पहले मैं जो भी पार्ट खेलता था तो उसे प्रोज में, गाने को प्रोज में बोल देता था, शेर में बोल देता था, लेकिन गाना नहीं गा पाता था। हमारे गिरीश भाई और जो हमारे पीताम्बर सिंह उनियाल जी, उन्होंने काफी मेहनत करी और आज मैं उसमें सक्षम हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज गाना गाने लगा हूं। ठीक, यही चुनौतियां मेरे सामने रही। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि रामलीला के दौरान आपका समाज के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदलता है? मैं सुनील मलेठा और रामलीला में मैं हास्य कलाकार के रूप में यहाँ पर हमेशा रोल खेलता हूँ और समाज धर्म के प्रति अगर इसकी बात की जाए जी, तो ऐसा है कि हमें सभी समाज के प्रति ना अपनी लीला का प्रदर्शन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब समाज हमारे यहाँ पर आता है
चाहे उसमें सिख समाज हो, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज कोई भी हो, तो सब समाज को देखते हुए हमें अपनी लीला का प्रदर्शन करना पड़ता है। अरे ये बात हास्य कलाकार की, तो हास्य कलाकार होने के नाते मैं इतना कहूंगा कि अगर हर आदमी अगर हंसेगा तो समझना हास्य कलाकार कामयाब हो रहा है जी। मैं समझता हूँ रोना रोना तो कोई भी स्टेज में खड़ा होकर रुवा सकता है, लेकिन हंसाने एक बड़ी कला होती है। मैंने बाहर भी कई गांव में गया हूँ, मैं देखा है करते हुए अपने आप को, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को हंसा रहा हूँ तो सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। आज की डेट में वो बोलते ना कि सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है, हंसना। हंसना अगर हम हंसा रहे किसी को तो सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो राम की हम लीला खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन समाज धर्म जिसको हम मेन अहमियत देते हैं कि भाई किसी को बुरा भी ना लगे अगर कोई हम दूसरा सीन खेल रहे हैं, नहीं समाज के लोग हमारे साथ खेलते हैं, केवल हमें नहीं खेलते, केवल हम अपने समाज की बात नहीं कर रहे, हमारे साथ सभी समाज जुड़ा हुआ है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को किसी बात का ठेस ना पहुंचे। अपने लीला के अंदर हम सबसे बड़े ध्यान ही रखते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे आज यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके लिए मैं कमेटी की ओर से और कलाकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जो है अपने किरदार के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव किस पल में महसूस हुआ, और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मैं उपेंद्र डोबरियाल हूँ जी, और मैं शिक्षक हूँ पेशे से जी, भिकवाले पढ़ाता हूँ मैं सेंट में से जी। और 40 साल मेरी उम्र हो गई है, और लगभग मुझे याद है 90 में हम यहाँ आए थे। हाँ भाई साहब है मेरे गिरीश डोबरियाल जी, तो अहिल्या के पाठ से मैंने शुरू किया था। हाँ लगभग 10 साल की उम्र में जी, और आज तक मैं खेलता जा रहा हूँ। राम का भी खेला, भरत का खेला, केकई का भी खेला, सुलोचना भी खेला, रावण भी खेला, मेघनाथ भी खेला, और इस बार दशरथ भी खेल रहा हूँ। और अब मेरी कोई ऐसी इच्छा है नहीं खेलने की। सबसे ज्यादा मुझे महसूस जो जुड़ा हुआ है वो राम के किरदार में हुआ है। 5-6 साल मैंने खेला है, दिल से खेला, और अभी भी मौका मिलेगा कभी तो, लेकिन अब थोड़ा शरीर साथ नहीं देता। और मैं बच्चों को भी बताता, आज भी मैं बता रहा था 12th क्लास में कि बच्चों ने पूछा कि सर आप किसको भगवान को मानते हैं, मैंने कहा मैं राम को मानता हूँ। हालांकि हमारे इष्ट देव पितृदेव वो अलग चीज है, लेकिन उस किरदार ने मुझे बहुत अच्छा जो है, मैं दिल से बहुत मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, और जो उनका चरित्र है, जो उनका एक भ्रात प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, उस चीज को अगर हम उतार के चलें तो हमारा जीवन सफल होगा, समाज भी सफल होगा जी। जी उस किरदार ने मुझे बहुत, और मैं चाहता हूँ कि जो भी जिस मैं आपके गाँव में गए पिछले साल, और कादराबाद में हमने रामला खेली, और जो है जहां भी होती है मैं बोलता हूँ कम से कम राम का किरदार ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि हाँ यार ये उस पथ पे चलता है। ऐसा नहीं कि शराब पीने वाला राम बन जाए और जो है सब पीते खाते सब है, वो अलग चीज है, लेकिन एक मर्यादा की हमारे पे जिम्मेदारी आती है, है ना। भांग पीने वाले को राम बना दो, लड़की छेड़ने वाले को राम बना दो, ऐसे को राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। राम का किरदार उस आदमी को दिया जाना चाहिए जो उसके लायक हो, ऐसा नहीं कि ग्रुपबाजी करके तुम जो है वो कर दो। मैं इसकी इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जिसको हम यहाँ पे नौटंकीबाजी नहीं करते। हम झंडा चढ़ा देंगे कल, उसके बाद हमारे बंधन बन जाएंगे, जो उस बंधन का उल्लंघन करता है वो मैंने भी महसूस किया, वो कभी पनपते नहीं। तो हम उस भावना से इसको खेलते हैं। मैं वो भी बताता हूँ, पिछले साल में आपके गांव में भी गए, जो हमसे मदद हो पड़ी करते हैं, करते रहेंगे। तो मैं बोलता हूँ ये नौटंकीबाजी मत करो यार, आप पढ़े लिखे लोग हो, उसको ढंग से खेलो। बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमने उनको देख देख के याद करते थे, उनको तमन्ना थी खेलने की, है ना। तो मेरा ये हमेशा एक जैसे आप लोग हम इंसान हैं, कमियां हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हम जिसको मानते हैं हम उसको हमें अनुसरण करना चाहिए। नहीं जैसे आप झंडा चढ़ा देते जब एक, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद घर में खाने पीने का भी आप लोग परहेज, कम से कम हनुमान जी राम लक्ष्मण जो मेन मेन पार्ट है। हाँ हमने तो जब भी खेला है 5-6 साल हमने बिल्कुल उसको माना है, चाहे डर से माना चाहे हमने दिल से माना, और हमको उसका मिला भी है और मिलता रहेगा, और जिन्होंने उसका उल्लंघन किया है वो भुगतता भी रहेगा, भुगत भी रहे और भुगतते भी रहेंगे, ये मैंने महसूस किया हुआ है। और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी भक्ति है, यही शक्ति भी है जी जी, है ना। तो ये नौटंकीबाजी नहीं है, ये एक जो है हमारे धर्म का हुआ है। उसे झंडा चढ़ा के करो, ढंग से करो, जो जिस लायक है उसको उस लायक दो, उसमें गुटबाजी मत करो, है ना।
जो जिस लायक उसको बोलोगे पहले इस लायक बन, तब तो उस बात को खेल। बिल्कुल, अपने औलाद को भी बोलोगे पहले उस लायक बन, है ना। वही है ना, आज बताता बड़ा अच्छे मैसेज आते हैं कि जब बिना जो है योग्य व्यक्ति को पद मिलता है तो धृतराष्ट्र बनता है, और जब पद वाले योग्य व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता तो कर्ण बनता है, और बाकी सब सारथी बनते हैं। तो ये पॉलिटिक्स बाजी बहुत होती है हर जगह ना, ये इस चीज से रामलीला को बचाने की जरूरत है, है ना। सब देखते हैं कौन क्या है, और राम का किरदार चाहे आपके गांव में हो किसी गांव में भी हो, वो किरदार कम से कम वो अच्छा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि हाँ कम से कम 50-60% तो गुण हो उसमें। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ और मैं मानता रहूंगा, और मैं आपके मंच से भी बोला पिछले बार जी जी कि क्या ये पीछे लड़कियों की लाइन लगा रखी है, डांस करने के लिए 2 दिन अलग रख लो ना, है हर लाइन में वो। मैंने कहा डायरेक्टर साहब परेशान हो यार, चलो खत्म होगी, बोला यार। मैंने कहा क्या क्या परेशानी है, बोल जिसको नहीं देंगे मौका सुनो हमारे घर पहुंच जाएंगे लड़ाई करने के लिए। क्या है अंत में हम देखेंगे कि कैसे रामलीला न केवल एक धार्मिक मंचन है बल्कि यह पूरी बुराई पर अच्छाई की जीत और समाज में संस्कृति व कर्तव्यनिष्ठा को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। आज हमने रामलीला समिति के अध्यक्ष, निर्देशक और समर्पित कलाकारों की भावनात्मक बातें सुनी। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, भक्ति और कड़ी मेहनत ने हमें गहराई से प्रभावित किया। पूरी टीम की मेहनत और समर्पण को देखकर हम बहुत कुछ सीख पाए। मैं श्री रामलीला समिति कल्लूवाला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी कई दिनों की मेहनत रंग लाए और रामलीला को दर्शकों का भरपूर प्यार मिले। मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर श्री रामलीला समिति कल्लूवाला की रामलीला देखें, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरित हों और सीखें। मैं होने लगी और आप देख रहे थे द नेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री राम।